पूरे देश में सरकार के अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है और आज महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं बिहार विधानसभा से राजभवन के लिए उन्होंने मार्च किया है। हमारे साथ मांझी के विधायक हैं सत्येंद्र यादव जी, उनसे हम बात करते हैं। आखिर इस अग्निपथ योजना में ऐसा क्या है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि सेना के ढांचे में जो परिवर्तन हुआ है कि टेम्प्रोरी हम फौज को रखेंगे और 4 साल के लिए रखेंगे। इस योजना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा कि 4 साल में जो अग्निवीर होंगे उनका सेना के साथ सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं होगा और 4 साल बाद जब वो रिटायर करेंगे तो उनका भी कैरियर जो है भरी जवानी में विधवा वाली होने वाली है। तो एक तो उनकी जवानी को बर्बाद करने की सरकार का षड्यंत्र, दूसरा सेना के जो महत्वपूर्ण जवाबदेही है देश की रक्षा का, और देश की रक्षा सैनिक तब करते हैं जब उनका सेंटीमेंट फौज के साथ होता है। 4 साल की नौकरी में कैसी सेंटीमेंट पैदा होगा फौज के लिए? और जब फौज के लिए सेंटीमेंट पैदा नहीं होगा, हमेशा उस फौजी को दिमाग में रहेगा कि 11 लाख रुपया लेकर हमको रिटायरमेंट हो जाना है। तो जाहिर सी बात है कि कोई फिरका प्रस्ती ताकते, कोई आतंकवादी ताकते, अगर 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया 11 करोड़ रुपया का प्रलोभन देगा तो नौजवान जिसका सेंटीमेंट सेना के प्रति और देश के प्रति नहीं है वो गुमराह हो जाएगा और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए सेना के जो मौलिक ढांचा है भर्ती का, उसमें संशोधन जो है बहुत खतरनाक है। इसलिए हम लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। दूसरा कि भरी जवानी में विधवा बनाना नौजवानों का, ये कहीं से जो है न्याय संगत नहीं है। तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो सेना को संविदा पर करने की जो साजिश है, उस साजिश के खिलाफ पूरा देश आंदोलनरत है, हम लोग भी हैं। इसका दूसरा पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुनबा ये मुल्क को हिंदू राष्ट्र, तथाकथित हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश हो रही है उसमें सेना जो सेकुलर सेना है वो बहुत बड़ी बाधा है। उस सेकुलर सेना को कम्युनलाइज करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत आरएसएस का जो रंगरूट्स हैं उनको भर्ती करके जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा की जाएगी। ये है आरएसएस का राजनीतिक परियोजना जो अग्निपथ परियोजना का हिस्सा है, सेकेंडरी हिस्सा है। इसलिए दोनों चीज़, सेना को बर्बाद करना, नौजवानों को भरी जवानी में विधवा बनाना, और आरएसएस रंगरूट को सरकारी राजस्व ट्रेनिंग देना, ये कतई देश की जनता को मंजूर नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने, लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने आज विरोध मार्च किया है और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया कि ये बिहार की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को मंजूर नहीं है और ये लड़ाई आगे भी चलेगी। ज्ञापन जो आप लोगों ने सौंपा है उस ज्ञापन में क्या है? पहला तो हम लोगों ने दिया है कि इस अग्निपथ योजना को पूरी तौर पर वापस ले सरकार। दूसरी इसके हिस्से हैं कि सरकार की गलतियों की वजह से इस देश के अंदर आगजनी हुई है तो सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए। तमाम नौजवानों पर जो मुकदमे दायर किए गए हैं वो मुकदमों को इमीडिएट वापस करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बिना सोचे समझे अचानक अग्निपथ योजना को लॉन्च किया। उससे जो आक्रोश उत्पन्न हुआ, उस आक्रोश के शिकार रेल के पटरिया रेल हुए, नुकसान हुए, तो नुकसान की जवाबदेही सरकार को लेना चाहिए और तमाम नौजवानों के FIR को इमीडिएट वापस करना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, आप लोग जो अग्निपथ योजना है उसका जो खामियां है वो बता रहे हैं लोगों को, सरकार जो है उसका मतलब प्रचार कर रही है, उसके फायदे गिना रही है, आखिर जो छात्र है किसका बात माने? छात्र पूरी तरह कंफ्यूज है। कई देश का छात्र कंफ्यूज नहीं है, ये बात कहना छात्रों के ज्ञान और छात्रों की नॉलेज के साथ नाइंसाफी होगी। छात्र अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सरकार सेना के साथ भद्दा मजाक कर रही है, नौजवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। सरकार और जो कह रही है कि छात्र गुमराह है, नौजवान गुमराह है, छात्र नौजवान गुमराह नहीं है, सरकार की राजनीतिक परियोजना को छात्र अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए विरोध के लिए सड़कों पर हैं। आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है। अगर वापस नहीं लेगी तो सरकार हम दिल्ली के अंदर बदलेंगे और सरकार बदलने के बाद इस योजना को भी बदल देंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पे सत्येंद्र यादव जी का कहना था कि जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तब तक हमारा
संघर्ष और लड़ाई जो है आगे भी जारी रहेगी। मैं अभिषेक, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।